राइट नाउ हम लोग मॉल से निकल के हम आ गए हैं यहाँ पे, दिस इज द गोल सिटी एरिया। और यहाँ पे काफी सारे कैफेटेरियाज है, सो हम लोग थोड़ा सा कुछ खाने पीने के लिए आए हैं। दिस इज एवेन्यू मॉल, हम आए हैं अभी एवेन्यू मॉल में। वहाँ पे पहले एवेन्यू पार्क हुआ करता था, बट दैट्स ऑल क्लोज्ड, सम कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन एंड गाड़ी की पार्किंग बहुत दूर मिली है। गर्मी बहुत है यार बाहर, लू चल रही है। लू नो पापा, लास्ट टाइम इधर ही इस मॉल पे नौटंकी की थी उसने। हाँ, फोर्ड की गाड़ी खड़ी है, सुपर कार। यहाँ पे सब वैले पार्किंग है, पे करके लोग पार्क करते हैं यहाँ पे। चलो लेट्स गो इनसाइड। ओह वाह, मॉल के एंट्रेंस में स्प्रिंग इज इन फुल ब्लूम। ओह वाह, बहुत अच्छा। This is so nice. There is a princess also over here. There is a telephone booth. Yeah. Wow. So this is like a photo booth. Huh? Huh? Of course. Uske saath bhi lenge. Wow. तो इन्होंने ये स्प्रिंग वाला वो लगा के रखा हुआ है जहाँ पे सब फोटो बूथ पे खड़े हुए हैं। ओके गाइस, सो वी हैव लेफ्ट फ्रॉम यहाँ। पीछे भी बहुत अच्छा डेकोरेशन करके रखा है, फ्लावर्स एंड बटरफ्लाइज एंड ऑल। यहाँ पे चीज़ केक फैक्ट्री है, दिस मंथ स्प्रिंग ब्लूम अच्छा लगा था। एंड दिस मॉल इज फुल, ये हमेशा ही फुल रहता है, पता नहीं क्या। और अंदर आते साथ ही एकदम ऐसे रेनी वाइब्स आ रहे हैं कि बारिश होने वाली है, ऐसे वाइब्स आ रहे हैं। बाथ एंड बॉडी वर्क्स में भी मैंगो मेनिया चल रहा है, मैंगो मेनिया तो लुलू में चल रहा है। ये एकदम मतलब आपको फॉरेन वाइब देगा, यहाँ पे सब फॉरेन, सब आपको अरबी लोग ही दिखेंगे, ऑल अरबिक पीपल। और दिस इज व्हाट अ टर्किश रेस्टोरेंट। मैं यहाँ पे जब भी आती हूँ मुझे यहाँ का बाहर का व्यू ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं ये मॉल तो आपको एकदम ऑथेंटिक, क्या बोलते हैं, एक सूक वाइब देगा। सूक इज़ बेसिकली अरबिक मार्केट, तो वो वाइब देता है। वी कम हियर फॉर दिस व्यू, इसके बाहर का बहुत अच्छा व्यू है। यहाँ पे बहुत रेस्टोरेंट्स है, पॉटरी बान भी है। वी कम हियर फॉर दिस व्यू, इसके बाहर का जो व्यू है, लास्ट टाइम भी आई थी बट इट वॉज सुपर्ब। आई मीन लोग आके यहाँ खड़े रहते, क्लाइमेट अच्छा हो तो और भी। अभी तो थोड़ी गर्मी है, बोटिंग भी होती है यहाँ पे। यहाँ से आपको पूरा सिटी व्यू दिखता है एंड यू कैन सी सम रियली गुड स्ट्रक्चर्स जो बहरीन के है। दिस इज़ आर कैपिटल, इट्स अ बैंक, दिस इज़ फोर सीजन्स। हाँ, ये फोर सीजन्स है, ये डाउनटाउन नहीं रोटाना है एंड दैट इज तीन बिल्डिंग है, सिमिलर बिल्डिंग है। दैट इज टू बिल्डिंग जो सिमिलर दिख रहे हो, फाइनेंशियल हार्बर है, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। फिर ये जो इस तरफ है, कोई नया मॉल बन रहा है पूरा, आई थिंक एवेन्यू मॉल का ही पूरा एक्सटेंशन बन रहा है। पूरा एक्सटेंशन लोग बड़ा कर रहे हैं, लाइक आग की तरह ये। व्यू इज़ वेरी नाइस, वाटर लुक्स वेरी ग्रीन एंड बोटिंग भी होती है यहाँ पे। बोटिंग कहाँ से होती है यार, उस तरफ से होती है। अच्छा, वो उसमें से होती है, अपना क्या बोलते हैं, वार्फ से। दैट साइड इज वार्फ, हम उस तरफ भी जाएंगे, वो भी एक बहुत प्यारा गार्डन है वार्फ। डू वी वांट टू बोटिंग?
गर्मी बहुत है यार। गर्मी सॉलिड है एकदम मस्त। अभी तक भी पाँच बज रहा है लेकिन गर्मी अभी तक खत्म नहीं हुई। हम वेट करेंगे गर्मी खत्म हो तो थोड़ा शांति मिले। क्या इंडिया के पानी से बेटर है? पहले पानी ज्यादा ग्रीन लगता था, अभी तो मतलब आई डोंट नो कुछ मिलावट हो गई है। कचरा वगैरह तो नहीं पड़ा उधर? नहीं कचरा नहीं है एक्चुअली। वो लोग यहाँ पे क्लीन भी रखते हैं ये वाला, क्योंकि बोटिंग वगैरह करवाते हैं ना। सो पानी काफी अच्छा, नीट, क्लीन, ग्रीन। हाँ उधर होती है बोटिंग, 3BD पर्पस से ना। चल गए बोट पे? नहीं। क्या प्रॉब्लम है? चल के आते हैं ना बोट पे, एक चक्कर मार के आएंगे थोड़ी। चलो करके बस वी आर लीविंग राइट नाउ फ्रॉम एवेन्यू मॉल। एक्चुअली उस तरफ भी जाना था बट जेवी कंटाल खा रहा है, जेवी को गुस्सा आ रहा है, जेवी और पापा दोनों को गुस्सा। अरे बाहर गर्मी है बाबा, मिट्टी दिख रही है। फाइनली एवेन्यू से भी निकल गए एक्चुअली। अरे चक्कर खत्म क्या हो गया, थोड़ा उधर भी घूमना था लेकिन तुम लोग को तो मतलब तुम लोग को नहीं जेवी को, देवी को बस आके थोड़ा सा मतलब आराम करना है। देखो थक गया वो, बहुत थक गया वो आज, चल चल के बहुत चलना हुआ आज। और एक्चुअली वो खेला भी बहुत था तो इसीलिए वो थोड़ा सा और थक गया है, कार में बैठे बैठे थक जाता है। तो यहाँ पे भी कुछ है बीच वगैरह टाइप्स। तो हम आ गए वार्फ की तरफ। कोई बच्चा बहुत रो रहा है। सो ये वार्फ है, वो आपको फोर सीजन दिख रहा है, हम उस तरफ थे, अभी हम लोग यहाँ के पार्क पे आ गए। कयाक कर रहे लोग काफ़ी सारे, कोई कोई पानी में तैर रहा है। यहाँ पे बोटिंग भी होती है। चलो लेट्स गो डाउन and the site, it's a really good view, sunset that's is happening. That's not one. Yes. What is this new structure? South or north? Huh? Where should we go, south or north? We usually go to north side. इसे पूरी भीड़ लग चुकी है, यहाँ पे सिर्फ बोटिंग ही हो रही है लगता है। पहले इतनी बोटिंग नहीं होती थी। I think उनमें से एक पानी में कूदी है। हाँ पानी में कोई कूदी है और फ्लोट कर रहा है। Wow, nice. But this water will be very deep, huh? Yeah. ऐसा लगता है deep नहीं है but it's very deep. Here is the entrance of the wharf. See the boat. Lot of people are like boating. आउटडोर डाइनिंग सबके हो रहे हैं। ये क्या है, ये ऐसा लाइन जैसा पता नहीं है, स्काई में जाने का होगा, जेट का होगा, जेट का। एंजॉय करो, बैठ के खाओ पियो और बोटिंग भी करो। ये बड़े वाले बोट्स भी है, दिस इज लाइक 3BD 3BD पर पर्सन है ना, 3BD इज लाइक 600 रुपीज़।
पर पर्सन, थोड़ा बहुत चक्कर लगवाएंगे। हमारे यहाँ तो जेवी को पसंद नहीं है, स्टार को भी बैठना नहीं है बोटिंग पे। वो क्या है सू, ब्लैक वाला बोट है। सब अलग अलग तरीके बोट घूम रहे पूरे बार्क में। पानी तो अच्छा ही है। ये कुछ अलग तरीके का बोट है, ये रेंट करने का है, वो पब्लिक है, वो वाइट पब्लिक है, ये रेंट करने वाला। हाँ कम कम कम, स्लोली 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 कम, हाथ दो हाथ दो हाथ दो हाथ दो। यस लुक डाउन एंड गो, पापा भी लुक डाउन एंड गो। यस गुड बॉय, गो एंड लुक डाउन, लुक डाउन एंड वेरी गुड। गर्मी शुरू हो गई है, कोई हवा नहीं है। ये तो लाइट चालू है, लाइट शुरू हो रहे हैं लाइटिंग्स। सी देयर इज अ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट ओवर देयर। अब आ रही है लोग की भीड़ धीरे धीरे, क्योंकि गर्मी खत्म हो गई ना, लाइट्स भी शुरू हो रहे हैं। यहाँ के लाइटिंग्स बहुत अच्छे होते हैं। Look at the rush, people are like everywhere. यार डो तो बंद है। बहुत ही अच्छा वॉकिंग पाथ है। वी वॉन्टेड टू ईट आइसक्रीम पर वहाँ पे था नहीं, सो वी आर गोइंग अहेड, शायद वहाँ पे है। बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो रखा है इधर, काफ़ी बिल्डिंगें बन चुकी है। शाम हो गई। बिग चेस खेलना है, चेस देवी सी हॉर्स। ट्विस्टेड बिल्डिंग, मुझे तो लग ही नहीं रही। हंग्री रेज योर हैंड्स, हु इज हंग्री रेज योर हैंड्स। यू हंग्री, यू हंग्री पापा? यस जेवी आर यू हंग्री? तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड और जेवी दोनों की शक्ल पे 12 बजे हुए थे, और स्टार भी ऑलमोस्ट टायर्ड हो चुकी थी, और मैं भी दिन के निकले हुए थे, तो वी वर ऑलमोस्ट वेरी वेरी टायर्ड एंड नाउ वी वांटेड टू गो बैक होम। बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था गर्मी की वजह से। पानी में फिशेस है, भाई अब हम निकलते हैं वार्फ से। उस तरफ भी एक या ब्लू स्काई पिंक क्लाउड्स, उस तरफ से भी एक छोटा सा गार्डन आता है, बट वी आर नॉट गोइंग दैट साइड बिकॉज वी हैव टू वॉक सो मच। एंड जेवियन इज ऑलरेडी टायर्ड, वेरी टायर्ड, एंड ही इज़ डूइंग वेरी नाटक। उसको रोना धोना मच रहा बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट। एंड भाई दिस इज़ द पार्क। अभी पार्क में भीड़ बड़ी है एंड लोग आ रहे हैं, बट वी आर लीविंग बिकॉज थक गए हम लोग। एक तो हम लोग 1 बजे से घूम रहे हैं, अभी हो रहा है 7 बजने वाला है, शाम ढल चुकी है, सनसेट हो चुका है, और जेवी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका है। क्लाइमेट इज़ लाइक हॉरेबल, लाइक बिल्कुल हवा नहीं है और गर्मी फील हो रही है, यू नो लाइक लू जैसी फील हो रही है अभी भी। सो इसलिए मतलब इंसान बीमार जैसा फील होने लगेगा। सो इसलिए भाई हम लोग अभी निकल रहे हैं। जेवी भी टायर्ड हो चुका है, शायद उसको भूख भी लग रही है। गो होम, रिलैक्स करेंगे और आराम करेंगे। चलो बाय।